हाई एवरी वन, माई नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माई नेक्स्ट लेक्चर। मैं कैलकुलस 3 के ऊपर वीडियोज़ बना रही हूँ। मैं कैलकुलस 3 हमेशा इसलिए मैंशन करती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना डले। कैलकुलस 1 की भी मैंने आपको वीडियोज़ करवा दी हैं, कैलकुलस 2 की भी कम्प्लीट आउटलाइन मेरे लिंक पर, मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दी हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही तो आप बस मैथ सारा लेक्चर्स लिखें तो मेरी सारी वीडियोज़ उसके ऊपर होंगी। कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 के जो टॉपिक्स हैं, कैलकुलस 3 में भी कुछ टॉपिक्स के नेम वही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जब हम कैलकुलस 3 में बात करते हैं तो हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, इसके अंदर हम मल्टी वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो कैलकुलस 3 में वही टॉपिक तो आर्टिकल नेम वही होता है लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैं कैलकुलस 3 की भी आपको वन बाय वन वो सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ लेकिन मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कैलकुलस 3 का, वो होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चेन रूल से रिलेटेड केसेस करवाए थे और चेन रूल का बताया था कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन पे चेन रूल हम किस तरह अप्लाई करते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो उसका अपने डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे लेना है। डायरेक्शन डेरिवेटिव मैंने कैलकुलस पहले भी करवाया हुआ है, तो अगर आप कैलकुलस 3 के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप पहले दूसरी वाली वीडियो देखेंगे, आप ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट कैलकुलस 3 है तो फिर आप ये वाली वीडियो देखेंगे, आपको ये वाली वीडियो हेल्प करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव होता क्या है, जैसे कि थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगी फिर मैं इसके क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगी। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास किसी, हमने रेट ऑफ चेंज निकालना हो किसी फंक्शन का तो हम डेरिवेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से एक पॉइंट बी की तरफ एक फंक्शन जा रहा है, तो अगर हमने ए और बी के दरमियान में उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर, तो हम कह देते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन में वेरिएबल एक्स की जगह वाई बी इन्वॉल्व हो, यानी मोर देन वन हो, जिसे हम कहते हैं मल्टी वेरिएबल, तो वही चीज़ आ जाती है लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में कैसे आती है कि हम एक्स को फिक्स करते हैं और वाई में चेंज देखते हैं, या फिर वाई को फिक्स करते हैं और एक्स में चेंज देखते हैं। एक चीज़ को फिक्स करते हैं और एक चीज़ के अंदर हम चेंज देखते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो टॉपिक है वो पार्शियल डेरिवेटिव से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम एक चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे, हम दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग चेंज चेक करेंगे। हम देखेंगे कि एक्स में भी चेंज आए, वाई में भी चेंज आए, लेकिन एक्स और वाई में जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट चेंज होगा, वो सेम चेंज नहीं होगा। अगर हम बोथ को एट अ सेम टाइम चेंज करें, जैसे एक्स अगर इंक्रीज़ कर रहा है लेट्स सपोज 2 टाइम्स, तो वाई इंक्रीज़ करे 4 टाइम्स, तो अगर इंक्रीज रेट देखा जाए तो वाई का एक्स से ज़्यादा है लेकिन दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के चेंज को जब हम स्टडी करेंगे तो वो होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसमें मैंने इंक्रीज़ की लिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये भी हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, एक्स डिक्रीज़ कर रहा हो और वाई इंक्रीज़ कर रहा हो, ये भी हो सकता है दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन एक ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है और एक कम डिक्रीज़ कर रहा है। अगर हम दोनों के अंदर चेंज लाएँ और दोनों के चेंज को एक साथ पढ़ें तो उसमें हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट ये होता है कि हम इकट्ठा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं डेफिनेशन लिखूँगी तो आपको मज़ीद ये हो जाएगा कि डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव बेसिकली जिसकी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे वो लिखने लगी हूँ, द रेट ऑफ चेंज, क्योंकि डेरिवेटिव आ गया तो रेट ऑफ चेंज तो लाजमी आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, लेट्स सपोज एफ कोई फंक्शन है, ये फंक्शन मैं एक्स वाई में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देनी है। यहाँ पे एक्स वाई जी भी हो सकता था, यहाँ पे मल्टी वेरिएबल कोई भी फंक्शन आना है, तो मैंने 2 के साथ लिया ताकि समझ जल्दी आ जाए। इन द डायरेक्शन, क्योंकि हमने डायरेक्शनल वर्ड यूज़ किया है तो रेट ऑफ चेंज तो हम फाइंड करेंगे लेकिन हम किसी चीज़ की डायरेक्शन में करेंगे। अब डायरेक्शन किस चीज़ की होगी, ऑफ
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, यानी यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट ले लें, तो जो भी ए और बी की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे आंसर एट द एंड वन आना चाहिए। इसको हम कहते होते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। इस तरह के शॉर्ट भी आ जाते हैं कि क्या कोई वेक्टर देखे गिवन वेक्टर दिया होता है और कहा जाता है कि क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, उसकी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके स्केयर और उनको एड और अंडर रूट। अगर तो आंसर वन है तो वो यूनिट वेक्टर है, और अगर आंसर वन नहीं है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे मुझे इसको यूज़ भी करना है जब मैं एग्जाम्पल कर रही होंगी, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए इधर लिख दिया। शॉर्ट में भी आ जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए बी इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसका डेफिनेशन है। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो ये इसको डिनोटेड बाय, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। डी यू, यू के ऊपर थोड़ा सा आप छोटा सा एरो लगा दें, एफ ऑफ एक्स वाई, ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है। डी कैपिटल, साथ में जो भी आप ले रहे हैं यूनिट वेक्टर यू और एफ ऑफ एक्स वाई, इसका जो फंक्शन है। इसी चीज़ को अगर जो डेफिनेशन है, अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज़ करूँ तो मैं डायरेक्शन डेरिवेटिव को यूँ भी लिख सकती हूँ। इसका एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज हमें पता है हम कैसे लिखते होते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो डिवाइडेड बाय एच, फंक्शन जो भी होगा उसके अंदर एक्स फंक्शन है तो उसमें ए एच ऐड हो जाएगा, और वाई फंक्शन है तो उसमें बी एच ऐड हो जाएगा, कुछ इंटरवल ऐड हो रहा है, माइनस ओरिजिनल फंक्शन। तो हम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो आपका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डिनोटेड बाय लिखेंगे, और इसका जो भी मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है वो लिखेंगे। इस मैथमेटिकल फॉर्म को भी यूज़ करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं, एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, ये टफ हो जाएगा। हम एक और मेथड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हमने एग्जांपल्स करनी है। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर नोट डाल के मैं बता देती हूँ कि वो फॉर्मूला किस तरह है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने एग्जांपल्स किस तरह सॉल्व करनी है। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा जाएगा, तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया, एक यूनिट वेक्टर भी गिवन होगा जिसकी डायरेक्शन में आपको वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी चेंज फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और आपके पास यूनिट वेक्टर एक गिवन है ए बी, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैं उसी को लेके चल रही हूँ। एफ ऑफ एक्स वाई मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, यू उसकी कोई यूनिट वेक्टर है, यानी उसकी डायरेक्शन में आपने वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप लिख लेंगे कैसे, डी यू एरो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जो आपने सॉल्व करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को फिक्स करेंगे, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इस यूनिट वेक्टर का ए, प्लस एफ ऑफ वाई एक्स वाई। एफ ऑफ वाई क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स को आप फिक्स करेंगे और वाई को आप वेरी करेंगे, और जो बी है ये वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो आपके पास यूनिट वेक्टर गिवन होंगे वो यहाँ पे आप ए बी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी चीज़ को मैं तीन में भी लेके जा सकती हूँ, जैसे यहाँ पे फंक्शन था एफ एक्स वाई, टू वेरिएबल फंक्शन था। अगर यहाँ पे मेरे पास फंक्शन होता थ्री वेरिएबल, तो उसके हिसाब से मेरे पास जो यूनिट वेक्टर होता वो ए बी सी होता, तो मैं इसको लिख सकती थी एक्स वाई ए, सॉरी यहाँ पे जी भी आएगा, एक्स वाई जी बी एफ ऑफ जी
एक्स वाई जी सी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी तीन हो जाएंगे और यहाँ पे भी तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो मैं उनको इस तरह लिख सकती हूँ। तो अगर आपके पास एग्जांपल है तो सिंपली आपने क्या करना होगा, आपने एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ वाई निकालना है और ए और बी की वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई करवा देनी है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊँगी और उसके साथ ही मैं आपको एक पहले पॉइंट बता दूँ जो मैंने एग्जाम्पल में यूज़ करना है। इनकेस आपको एग्जाम्पल के अंदर फंक्शन तो दिया जाए लेकिन यूनिट वेक्टर ना दिया जाए, यूनिट वेक्टर आपको एग्जाम्पल के अंदर गिवन ना हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने यूनिट वेक्टर बनाना होता है। अगर दो, यहाँ पे दो केसेस हैं, एक केस है, ये आपने अच्छे से समझना है क्योंकि इन क्वेश्चन में इसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, स्टूडेंट को यही चीज़ समझ में नहीं आती। पहला केस मैं यहाँ पर आपको जो करवा रही हूँ वो होगा एंगल से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपको डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर नहीं दिया जाएगा लेकिन आपको एक एंगल गिवन होगा। यानी समटाइम्स क्या होता है कि डायरेक्शन जब आपने एक्स एंड वाई की फाइंड करनी होती है तो वो आपको एक एंगल दे देंगे, रेट ऑफ चेंज एक्स में किसी डायरेक्शन ऑफ एंगल में दे दिया जाएगा। लेट्स सपोज आपको कह देते हैं रेट ऑफ चेंज निकालो किसी भी फंक्शन का लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा लेट्स सपोज कोई भी थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री लेट्स सपोज है, सिर्फ आपको ये लिखा हुआ है। तो अब आपके पास यूनिट वेक्टर नहीं आया लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा। इसका मेथड क्या होता है, इसका मेथड ये होता है कि जो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है वो कुछ इस तरह आएगा, कोस थीटा साइन थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। आप जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा जिसमें आपको थीटा गिवन होगा और रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो आप उसका यू कैसे लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा, अगर उसमें फंक्शन में दो वेरिएबल हैं। और जैसे यहाँ पे यू है तो यहाँ पे फंक्शन लेट्स सपोज एक्स वाई के साथ था, तो कोस थीटा यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई थ्री, साइन थीटा की जगह पाई बाई थ्री, तो साइन पाई बाई थ्री कोस पाई बाई थ्री की जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास यू का आंसर होगा। मैं वैल्यू नहीं लिख रही, मैं सिर्फ इस हिंट दे रही हूँ, एग्जाम्पल जब मैं करवाऊँगी तब मैं आपको फर्दर बता दूँगी कि इसका कैसे करना है। ये आपने केस वन अपने माइंड में रखना है। इसका केस टू भी है, केस टू में एंगल नहीं होगा, केस टू में क्या होगा, लेट्स सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन के साथ आपको एक वेक्टर गिवन है लेकिन वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब ये कि जब आप उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो वन नहीं आएगी। तो ऐसे लेट्स सपोज आपको दे दिया जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ यू कोई है वेक्टर, ये मैं एग्जांपल जो मैंने देनी है उसमें ये चीज़ है वही मैं यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ कि डायरेक्शन ऑफ यू और इसमें लेट्स सपोज ये है। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड का आंसर वन नहीं आएगा, वन का स्केयर जीरो का स्केयर थ्री का स्केयर अंडर रूट करेंगे तो वन नहीं होगा, वो टेन होगा। तो अगर इस तरह हो जाए तो हमें पता है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, हमारे पास जो डायरेक्शन डेरिवेटिव था इसके अंदर हमें चाहिए था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है इसका मतलब हम डायरेक्शन डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, हमें पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर बनाते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, अगर आपके पास यू कोई वेक्टर है ये वाला, इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो इसको हम डिवाइड कर देते होते हैं इसी की मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो भी हमारे पास आंसर आता है वी वेक्टर जो भी आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा, यानी उसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो वन होगा। तो हम ऐसे वेक्टर्स को पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे, तो ये केस वन और केस टू, अगर आपको यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है तो आपको यूनिट वेक्टर बनाने पड़ेंगे एग्जांपल्स के अंदर, फिर आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मैंने दोनों एग्जांपल्स जो मैंने अभी करवानी है उनसे रिलेटेड जो हिंट थे मैंने आपको पहले दे दिए ताकि आपको एग्जांपल समझने में मुश्किल ना हो। और अगर आपको दे ही दिया जाए यूनिट वेक्टर
फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि रेट ऑफ चेंज निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको उसको यूज़ करना है, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल। फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस्ट पावर एक्स वाई प्लस वाई एंड यू इज द यूनिट वेक्टर in the direction of theta which is given as 2π/3। अब ये example आ गई first case से related, जो मैंने अभी आपको बताया है कि first case हमारे पास क्या होता है कि function का rate of change तो find out करना है लेकिन direction of theta के अंदर, theta यहाँ पर given है 2π/3। तो अब हम इसको use करते हैं जो मैंने आपको अभी बताई example, उसके through ही हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि हमने वाई को कंसीडर करना है एज ए कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा तेज़ी में लेके जाऊंगी क्योंकि मैंने दो एग्जांपल्स करवानी है, ऑलरेडी टाइम शॉर्ट होता है। हमने x का लेना है तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, ये हो जाएगा ज़ीरो। इस फंक्शन के अंदर x भी है और e की रेस टू पावर एक्स वाई भी है, तो ये प्रोडक्ट लग रहा है। तो प्रोडक्ट पे हम डेरिवेटिव किस तरह अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x as it is, e x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y, तो ये आ जाएगा y, e x y और ये आ जाएगा 1, ये हो गया डेरिवेटिव। ये मैंने इस तरह लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज इट इज़, अगेन उसका डेरिवेटिव होता है विदाउट e, मतलब विद जस्ट पावर एक्सपोनेंट एक्स वाई का। जब हम एक्स वाई का लेंगे तो वाई एज अ मल्टीपल यूज़ होगा तो वो बाहर आ जाएगा, और एक्स का वन होगा तो वन इंटू वाई वाई के इक्वल है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली हमें चाहिए एफ ऑफ वाई, y के अकॉर्डिंग लेंगे तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे भी एक ही फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे भी y का एक ही फंक्शन बन रहा है, तो x तो एज ए कांस्टेंट है तो मल्टीपल के तौर पे बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव y फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y का पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ, x एज इट इज़ e एक्स वाई अगेन x प्लस 1, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई प्लस 1, ये हमारे पास एफ ऑफ वाई आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला के अंदर हमें चाहिए क्या था, ए एंड बी। ए एंड बी अब हम कहाँ से लेके आए, ए एंड बी हैं यूनिट वेक्टर, हमारे पास यूनिट वेक्टर है ही नहीं, हमारे पास यू यूनिट वेक्टर है लेकिन वो डायरेक्शन है थीटा के अंदर, इसका मतलब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। एंगल गिवन और यूनिट वेक्टर हम किस तरह निकालते हैं, अगर दो फंक्शंस हो तो हमें पता है यूनिट वेक्टर विल बी किस तरह आएगा, यूनिट वेक्टर कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है 2π/3 साइन 2π/3, इनके अब हम आंसर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके आंसर्स डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर आपको इनके आंसर्स नहीं
पता, तो आप टेबल से निकाल सकते हैं, और अगर आपको फिर भी इसका समझ ना आए कि मैंने किस तरह लिखे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी मैंने किस तरह इनके आंसर्स लिखे हैं। बस टाइम शॉर्ट है इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ी में लेके जा रही हूँ। यू यहाँ पे आ गया हमारे पास वैल्यू यू की आ गई। कैलकुलेटर से भी आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, टेबल से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके ही हैं। अब हमें ए एंड बी मिल गया है, अब हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या था, डी यू एफ ओ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ओ एक्स एक्स वाई ए एफ ओ वाई एक्स वाई बी। यहाँ पे ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो एफ ओ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी, एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई इंटू ए। ए हमारे पास क्या है, माइनस वन बाई टू प्लस वाई की। हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई प्लस वन प्लस वन। और हमारे पास इसकी बी की वैल्यू अंडर थ्री बाई टू आ गई। हमारे पास जो क्वेश्चन था अगर हम उसको देखें, जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, इसमें उसने हमसे ये तो पूछा, यहाँ तक तो हम चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने टू एंड ज़ीरो भी लिखा है। इसका मतलब ये हमसे ये भी पूछ रहा है कि जब एक्स की वैल्यू टू हो और वाई की वैल्यू ज़ीरो, तब मुझे आंसर बताओ। इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे टू पुट करना है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे ज़ीरो पुट करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई लिखा होता तो ये हमारा आंसर यहाँ तक आ गया था, लेकिन इसने हमें क्वेश्चन में पूछ लिया है टू ज़ीरो। टू ज़ीरो का मतलब है एक्स एंड वाई की वैल्यू भी पुट करनी है। तो जब हम पुट करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ज़ीरो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ ज़ीरो। टू ज़ीरो टू ज़ीरो, ये लगता होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप वैल्यूज पुट करते हैं काफ़ी चीज़ें तो ज़ीरो बन जाती हैं, तो बस पुट करना मुश्किल है, अदरवाइज़ बहुत ही आसान होता है आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई टू एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, टू का स्क्वायर ई टू, y की जगह ज़ीरो प्लस वन और साथ में अंडर रूट थ्री बाय टू। टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो प्लस e रेज टू पावर ज़ीरो वन। तो इस पूरी ब्रैकेट का आंसर इसका ज़ीरो हो जाएगा और इसका आ जाएगा वन। तो वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई टू और इसका आंसर आ जाएगा ब्रैकेट का वन प्लस टू का स्क्वायर फोर ई रेज टू पावर टू इंटू ज़ीरो ई रेज टू पावर ज़ीरो ई रेज टू पावर ज़ीरो इक्वल टू वन। वन इंटू फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव अंडर थ्री बाई टू। सिंप्लीफाई करेंगे वन बाई टू प्लस फाइव अंडर थ्री बाई टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टू एलसीएम, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। डायरेक्शन डेरिवेटिव व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बहुत ही आसान एग्जांपल थी डायरेक्शन डेरिवेटिव की। मैंने आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव का बता दिया, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है। इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जाम्पल करवाऊँगी, लेकिन वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि डायरेक्शन डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।